कोरोना वायरस के फैलते हुए संक्रमण को रोकने के लिए जहां पूरा देश लॉकडाउन है, वहीं कोटा में खाने का पैकेट लेने वाले लोगों ने इस वायरस को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया। उड़िया बस्ती में स्थानीय लोगों की ओर से गरीब और असहाय लोगों को खाना वितरित लगातार किया जा रहा है, लेकिन खाने का पैकेट लेने वाले लोग सोशल डिस्टेंस को नहीं अपना रहे। इससे स्थानीय लोगों में वायरस के संक्रमण की आशंका लगातार बनी हुई है। ऐसे में हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेंद्र ने। बस्ती में जिस तरह से सामाजिक संगठन लोगों को खाना मुत्सदी से कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। अगर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो इस मामले में सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं बरती जा रही है। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो जननायक है, उनकी मुहिम कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो किस तरह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को कम कर रखा है और लगातार जो लोग खाना बांटने आ रहे हैं वो भी इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मगर एक बात इसमें साफ तौर पर देखी जाएगी कि अगर नगर निगम एक व्यवस्था की जाए जिससे यहाँ की जनसंख्या का जितना भाग है और उससे कुछ लोग भी खाने के पैकेट बनाकर अपने घरों से ही इन लोगों के लिए दें और वो लोग सामाजिक कार्यकर्ता इन तक पहुँचाएं, तो कहीं ना कहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी बनी रहेगी और गरीब लोग कहीं ना कहीं भूखे भी नहीं मरेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज A1 के लिए कोटा से। कोरोना